अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप में से कुछ लोग अभी भी ये चीज़ पूछ रहे हैं कि कितने लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं। बेटा फर्स्ट 6 लेक्चर्स, उस प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे नहीं इंक्लूडेड, उसमें से फर्स्ट 6 इंक्लूडेड है। ठीक है, ऑल ऑफ दोज आर नॉट इंक्लूडेड, द फर्स्ट 6 ओनली, एंड द फर्स्ट 2 लेक्चर्स आर कवर्ड इन 4 पार्ट्स। तो फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड लेक्चर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड लेक्चर का सेकंड पार्ट, वो 4 लेक्चर्स अलग अलग नहीं है, वो बेसिकली 2 लेक्चर्स ही काउंट होंगे। सो इस तरह से टोटल 6 लेक्चर्स हैं, और अगर आप टॉपिक्स के हिसाब से देखें तो डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी के 2 लेक्चर्स होंगे, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के 2 लेक्चर, ब्लड का 1 लेक्चर, और 1 लेक्चर रेस्पिरेशन का, पहला लेक्चर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस से पहले पहले तक का सारा कुछ वो इंक्लूडेड है क्विज में। 15 MCQs होंगे, 20 मिनट्स होंगे, और मे बी 17 और 18 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। क्विज गूगल फॉर्म पे होगा, LMS पे बहुत मसले अभी भी हैं, तो फिर इस वजह से उस पर लूँगा मैं। बाकी इंस्ट्रक्शंस आपको क्विज से पहले आ जाएंगी। टाइमिंग सिर्फ रह गई है डिसाइड करने वाली, तो 4 जून को किसी टाइम में होगा, 4 जून मे बी एट अराउंड 8 PM 9 PM इसके आसपास। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छी तरह से करना, सिस्टम्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस, कार्डियोवैस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर। रेस्पिरेटरी का तुमने इम्पोर्टेंट पढ़ा बाद में है, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज वाले जो है वो इम्पोर्टेंट है, बट वो पढ़ा नहीं है अभी, और मतलब वो क्विज में इंक्लूडेड नहीं है। सेकेंड थिंग देन बिकम्स द ब्लड वाला चैप्टर, और फिर उसके बाद डर्मा, और जो ये वाला रेस्पिरेटरी वाला है इसको डर्मा से पहले रखो, तो डर्मा सिर्फ एंड पे जाके है, विच मीन्स के ज़्यादातर चीज़ें पहले वाले लेक्चर्स जो मैंने तुम्हें बताए हैं कार्डियोवैस्कुलर ब्लड उनमें से आएंगी। अगर कार्डियोवैस्कुलर और ब्लड अच्छा कर लोगे तो यू विल पास, मतलब यू कैन गेट अराउंड 7-8 मार्क्स, ठीक है, पास के पास पास पहुंच जाओगे, पास इज अराउंड 50%। ऑलराइट, सो हमने ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, लेट्स टॉक अबाउट दिस, लेट्स टॉक अबाउट रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस से पहले हम एक दफ़ा फिर से वॉल्यूम और टाइम वाला कर्व देख लेते हैं, FEV1 और FEC जो शो कर रहे हैं, फोर्स वाइटल कैपेसिटी का जो फर्स्ट सेकेंड में फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम होता है दैट इज FEV1, नॉर्मली 80% होता है, तो कर्व इस तरह से बनता है। ऑब्स्ट्रक्शन में 80% से कम हो जाता है तो कर्व ऐसे बनता है, और रिस्ट्रिक्शन में 80% से ज़्यादा हो जाता है तो कर्व थोड़ा नीचे बनता है। ठीक है, अच्छा, दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो रास्ते में रास्ता ब्लॉक हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन जो है वो पूरा पूरे का पूरा रास्ते के अलावा रास्ते से ज्यादा जो मतलब घर इटसेल्फ है वो पूरे का पूरा खराब हो गया, ये घर का रास्ता खराब हो गया अगर ये घर था तो। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में लंग पूरे का पूरा खराब हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में जो एयर वेज है लंग के अंदर जो रास्ता जा रहा है वो खराब होता है। ठीक है, हवा का रास्ता, ये कंसेप्चुअल एक हल्का सा कंसेप्चुअल बात है। अच्छा, इसके अलावा अब ये लंग पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का मतलब क्या होता है, जो टिश्यू है इसका मतलब जो पूरा का पूरा लंग है उसके डिजीजेज होते हैं मेनली रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में एयरवेज के, ब्रोंकियोल्स के, ब्रोंकाई के, उन चीज़ों के डिजीजेज थे मेनली। लंग पैरेन्काइमा का कुछ हिस्सा इन्वॉल्व था जैसे कि एल्वियोलाई एंड पे जाके इन्वॉल्व हो गए, या टर्मिनल ब्रोंकियोल से आगे का सारा एयर सैक वो इन्वॉल्व हो गया,
लेकिन बाकी जो पूरे का पूरा लंग जब इन्वॉल्व होता है वो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न बनाता है. सो इट इज द लंग पैरेन्काइमल डिजीजेस दैट आर इम्पॉर्टेंट इन रिस्ट्रिक्टिव काइंड ऑफ डिजीजेस. तो रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेज में जितने भी डिजीजेज करेंगे इन सब के इन सब डिजीज के नाम आपको अच्छी तरह से आने चाहिए और इन सब डिजीज को आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए. सो सबसे पहले वी हैव इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस. इंटरस्टिशियम का मतलब क्या होता है, जो टिश्यू है ठीक है, सेल्स के अलग अलग सेल्स के साथ के अलावा जो अंदर उसका पूरा प्रॉपर टिश्यू है दैट इज इंटरस्टिशियम. तो डिफ्यूज इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. पल्मोनरी फाइब्रोसिस इटसेल्फ अगर ये इंटरस्टिशियल और डिफ्यूज का वर्ड हटा भी दिया जाए तो ये काफ़ी है इस बीमारी को समझने के लिए. सो फाइब्रोसिस में क्या होता है, एज यू वुड नो विद योर नॉलेज ऑफ जनरल पैथोलॉजी, फाइब्रोसिस में फाइबर्स आना शुरू हो जाते हैं ठीक है. और नॉर्मली स्कारिंग के वक्त जब चीज़ ठीक हो रही होती है या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वगैरह के बाद जब बॉडी उस चीज़ को सही करने की कोशिश करती है तो बॉडी जो है वो जो चीज़ बनी हुई थी उस चीज़ को धागों से एक तरह से पिरोती है ठीक है, मतलब वो उसको इकट्ठा करती है. मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक सुराख बन गया है तो वो सुराख कैसे बंद होगा, जैसे दर्जी बंद करते हैं ठीक है, यानी कि वहाँ पे फाइबर्स आ जाएंगे और उसको छोटा करते जाएंगे और वो सुराख हल्का 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 छोटा हो जाएगा उन फाइबर्स की वजह से. ऑल दो उस तरह का नहीं होगा जैसे ओरिजिनल था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा, बट वहाँ पे स्कारिंग हो जाएगी और वहाँ पे फाइबर्स आ जाएंगे. सो फाइब्रोसिस का बेसिकली जनरल पैथोलॉजी में इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो आपने इन्फ्लेमेशन वगैरह में समझने की कोशिश की होगी ठीक है. सो व्हाट हैपेंस हियर इज कि इसके और भी काफ़ी सारे नाम हैं बट फाइब्रोसिस हर जगह आएगा तकरीबन तकरीबन. इंटरस्टिशियल निमोनिया या इंटरस्टिशियल आएगा या फाइब्रोसिस आएगा. इंटरस्टिशियल निमोनिया मतलब लंग के पैरेन्काइमा का निमोनिया, क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस, एल्वियोलाई पे ज़्यादा फोकस होता है फाइब्रोसिस का. इडियोपैथिक, इडियोपैथिक मतलब कोई कॉज नहीं है पल्मोनरी फाइब्रोसिस. अगेन डिफ्यूज इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस, डिफ्यूज और लोकल, ये दो वर्ड्स आप पढ़ोगे पैथोलॉजी में या अपनी मेडिसिन में या पूरे हेल्थ साइंसेस के अंदर कहीं भी, उसका एक मतलब होता है. डिफ्यूज का मतलब होता है जो पूरे का पूरा इन्वॉल्व कर रहा है एरिया, लोकल का मतलब होता है कोई एक खास जगह पे इन्वॉल्व हो रहा है. तो डिफ्यूज का मतलब तकरीबन पूरा लंग इन्वॉल्व हो रहा है. पैथोलॉजीज में क्या होती है, इंटरस्टिशियम थिकन हो जाता है, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल आ जाते हैं इसके अंदर ठीक है. फिर उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन बंडल्स बनाते हैं जिसकी वजह से हेंस द फाइब्रोसिस ठीक है, जो ये फाइबर्स आ जाते हैं. और फिर ये एक कोई इसका पैटर्न नहीं होता, इरेगुलरली पूरे लंग के अंदर हो रहा होता है ठीक है, किसी एक खास जगह पे नहीं होगा. और फिर इवेंचुअली जो एल्वियोलाई है वो सारी इसकी सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और लंग को अगर आप काट के देखो तो एक करेक्टरिस्टिक हनीकोम अपीयरेंस बनती है. ये हनीकोम वर्ड को याद रखिएगा, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज फार एज पैथोलॉजी इज कंसर्न्ड ठीक है. तो हनीकोम अपीयरेंस होती है इसकी. हनीकोम का मतलब क्या है कि जिस तरह शहद की मक्खियों का छत्ता होता है उस तरह की अपीयरेंस होनी शुरू हो जाती है अगर आप इस लंग को काट के देखेंगे. सो क्या क्या मैकेनिज्म है, पैथोजेनेसिस क्या है. सो पैथोजेनेसिस इज उसके मुख्तलिफ नॉट पैथोलोजेनेसिस पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म ऑफ जो डिजीज है उसके मुख्तलिफ क्या उसे कहते हैं तरीके हैं जिससे बीमारी होती है. सो क्या क्या तरीके हैं, सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज मतलब ANA जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी थी या रियूमेटिक फैक्टर था वो जब जा रहे हैं उसने जाकर खुद ही अटैक करना शुरू कर दिया लंग को. लंग को उसने समझा ये कोई फॉरेन टिश्यू है चलो मारो इसे, तो ये एक रास्ता है. फिर इम्यून कम्प्लेक्सेस एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस जो सर्कुलेशन में फैल रहे हैं एल्वियोलर वॉल्स में जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है वो आके उसे अपनी तरह से ठीक करने की कोशिश करते हैं बट वो और ज़्यादा वहाँ पर इम्यून रिएक्शन हो जाता है ठीक है. ये आपको ब्रोंकियोएल्वियोलर लवाज स्पेसिमेंस मिलते हैं. लवाज क्या होता है कि अगर आप ब्रोंकियोल के अंदर से फ्लूइड निकालें ब्रोंकाई के अंदर से और उसको देखें तो उसके अंदर आपको इम्यून कम्प्लेक्सेस नज़र आते हैं. तो ये इम्यून कम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, इम्यून कम्प्लेक्सेस का मैंने आपको आपको याद होगा एक समझाया था कॉन्सेप्ट कि ये एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी के साथ कुछ हो गया है एक मिनट, ये एंटीबॉडी है ठीक है और अगर इसके आगे साथ में एंटीजन मिला हुआ हो यहाँ पे उस एंटीजन को वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही हो ठीक है. सो दैट इज दिस ऑल ऑफ इट इज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स.
which is also called as immune complex. Excuse me. तो जब ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, ये एल्वियोलाई के मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं, वो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं तो वो इस इम्यून कॉम्प्लेक्स को फेगोसाइटोस करना शुरू करते हैं. जब इस इम्यून कॉम्प्लेक्स का फेगोसाइटोसिस होता है, कुछ साइटोकाइंस निकलते हैं. जब वो साइटोकाइंस निकलते हैं, वो और इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, तो फिर न्यूट्रोफिल माइग्रेशन होती है, फिर और डैमेज होता है एल्वियोलर वॉल्स को, और फिर और वो ज़्यादा होते 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 फाइब्रोसिस होता है. मतलब शुरू हुई थी बात सेफ्टी से, बात शुरू हुई थी कि अपने आप को बचाना है, बात शुरू हुई थी कि अपने इम्यून कॉम्प्लेक्सेस उस वक्त बनते हैं ना जब आप इम्यून सिस्टम जो है वो कोशिश करता है कि अपनी बॉडी को बचाया जाए. लेकिन वो चूँकि गलत जगह पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पे मसला हो नहीं रहा होता, तो मैक्रोफेजेस जाग जाते हैं और आपस में इम्यून सिस्टम लड़ना शुरू कर देता है एक तरह से हल्का हल्का. ठीक है, एक फौज इस तरफ, एक फौज इस तरफ, फिर वो उसको मारता है कि तुम क्यों बिला वजह उठ के आ गए हो, ये तुम्हारे अपने अपने अपनी फौज है आपकी. बगावत हो जाती है अंदर ही, फौज के अंदर बगावत हो जाती है, फौज एक दूसरे को मारना शुरू कर देती है. ठीक है, और फिर उसके बाद जो वहाँ पे असलाह बच जाता है या जो वहाँ पे मसले और हो जाते हैं, जो कोलेटरल डैमेज, वो जो कोलेटरल डैमेज वाली थ्योरी है वॉर थ्योरीज में, वो उसकी वजह से इवेंचुअली आपके एल्वियोलाई डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं. उस कोलेटरल डैमेज को ठीक करने के लिए और इन्फ्लेमेशन होती है, जो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है बार 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 बार, तो फिर वो सारे का सारा हील होते 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 फाइब्रोज्ड हो जाता है पूरे का पूरा लंग. सो दिस इज़ व्हाट द फाइब्रोसिस एक्चुअली हैपेंस. सो हिस्टोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी पे आपको क्या नज़र आएगा? हिस्टोपैथोलॉजी पे आपको पैची क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस और हनीकोम सिस्टिक अपेयरेंस नज़र आएगी या हनीकोम अपेयरेंस नज़र आएगी. जब आप उसको काट के देखोगे तो इन्फ्लेमेशन होगी ऑब्वियसली, लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है, इम्यून वो हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो ऑब्वियसली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी, फाइब्रोसिस होगा ऑब्वियसली जब हीलिंग हो रही है, और उसकी वजह से स्कारिंग होगी डेंस, और उसके अलावा क्या होगा, हनीकोम सिस्टिक अपेयरेंसेस, यानी ये इस तरह से हनीकोम सिस्ट्स बनती चली जाएंगी. कौन सा पूछ रहे हैं, ये हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होगी इम्यून रिस्पॉन्स? बेटा हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इम्यून मीडिएटेड प्रॉब्लम, बट ये एग्जैक्टली वो नहीं है, वो अभी आगे आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा हाइपर सेंसिटिविटी वाला. जो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, हमने हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस इनफैक्ट पढ़ा भी है जब हमने ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज किए थे, वो एक तरह से हाइपर सेंसिटिविटी उसके अंदर होती है. तो इसको आप ब्रॉडली हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं कि एलर्जी है या इम्यून मीडिएटेड. इम्यून जहाँ पर भी चीज़ आ जाएगी वो हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी भी उसका हल्का हल्का हो जाता है. लेकिन यहाँ पे एलर्जी के लिए एलर्जन होना ज़रूरी है, यहाँ पे एलर्जन नहीं होता. सो एलर्जन नहीं है. हाइपर सेंसिटिविटी के लिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको जिससे आप सेंसिटिव हो, कोई बाहर से चीज़ आनी चाहिए. यहाँ पे बाहर से कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे अंदर ऑटो एंटीबॉडीज हैं, अपनी बॉडी के खिलाफ अपना ही निज़ाम ख़राब हो रहा है. सो इसलिए इसको हाइपर सेंसिटिविटी नहीं कहते एग्जैक्टली, लेकिन उससे मिलता जुलता होता है, क्योंकि इम्यून का जहाँ पे वर्ड आता है वहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी इंसान के जहन में आती है. बट जस्ट रिमेंबर कि हाइपर सेंसिटिविटी स्पेसिफिक के लिए बाहर से कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए जिसको आप बहुत सेंसिटिव होकर लें, यानी कि कोई एलर्जन होना चाहिए. अच्छा, फिर अगर आप ग्रोसली देखते हैं नेकेड आई से, तो लंग्स छोटे हो जाते हैं ऑब्वियसली. जब आपको बताया था फाइब्रोसिस होगा, धागे से कोई चीज़ जुड़ेगी तो वो इकट्ठी होगी, ठीक है, तो वो इकट्ठी होकर छोटी हो जाएगी. फिर इसमें जो लोअर लोब्स में फाइब्रोसिस ज़्यादा बुरा होता है, प्लूरा के नीचे के जो एरिया होते हैं वहाँ पर ज़्यादा बुरा होता है, और जहाँ जहाँ लोब्स के बीच में जो सेप्टम बन रहा है एक लोब और दूसरे लोब के बीच में, वहाँ पर भी फाइब्रोसिस बुरा होता है ज़्यादा. अच्छा, अब ये हनीकोम सिस्टिक स्पेसेस जो हैं ये कैसे नज़र आते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप? हनीकोम सिस्टिक स्पेसेस के अंदर ये जो स्पेस है, ये हनीकोम का ये जो सिस्ट सी बन रही है छत्ते की, इसकी इसके जो अंदर जो लाइनिंग हुई हुई है, दैट इज़ क्यूबॉइडल एपिथीलियम या ब्रोंक्यूलर, ठीक है, म्यूकस होगा उसके अंदर, मैक्रोफेजेस होंगे, न्यूट्रोफिल होगा, और अंदर इन्फ्लेम होगा ऑब्वियसली. मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल का मतलब है इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो इन्फ्लेमेशन होगी क्रॉनिक, तो लिम्फॉइड एग्रीगेट्स होंगे, और ऐसे लिम्फॉइड पूरे एग्रीगेट्स बन गए होंगे, उनके अंदर जर्मिनल सेंटर्स होंगे, और ये उस तरह के लिम्फॉइड एग्रीगेट्स होते हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होते हैं. सो अगर आप देखो इसकी एसोसिएशन है,
जब आप जैसे जैसे मेडिसिन में आगे जाते जाएंगे, जब आप डिजीजेस पढ़ते जाएंगे, तो आप देखेंगे एक डिजीज की दूसरे डिजीज के साथ एसोसिएशन होती है। मतलब एक डिजीज हो रहा है, वो खाली अलग से नहीं हुआ होता, उसके साथ और डिजीजेस होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि बॉडी एक है, मैकेनिज्म उसका जो है वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो रहा होता है। ठीक है, ये नहीं है कि वहाँ पे, अब ये सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज है, ये नहीं है कि सिर्फ लंग के अंदर है। सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज का मतलब क्या है? सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडी का मतलब ये है कि पूरे ब्लड में घूम रही है वो। ठीक है, सो वो कहीं भी जाके मसला कर सकती है। अच्छा, ये आई कहाँ से थी? ये आई रिमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से थी या किसी और बीमारी की वजह से थी। ठीक है, लेकिन वो बीमारी वहाँ पे नहीं रही, उसने बीमारी ने जाके एक और बीमारी कर दी। ठीक है, सो ऐसे आप अक्सर देखोगे कि एक बीमारी का दूसरी बीमारी के साथ एसोसिएशन है। सो जो लिम्फाइड एग्रीगेट्स हैं वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में बनते हैं, लेकिन रिमेटॉइड आर्थराइटिस वाले ही लिम्फाइड एग्रीगेट्स फिर इवेंचुअली लंग्स में भी नजर आना शुरू होते हैं, हनीकॉम्ब सिस्टिक स्पेसिस में भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। सो हनीकॉम्ब सिस्ट्स बनती हैं। सो अगर आप देखो इसको, एक तो लंग छोटा हुआ है, कंप्रेस हो रहा है, नीचे प्लूरल इफ्यूजन आ रही है। ठीक है, ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन में एडिमा भी होता है, तो इफ्यूजन आनी शुरू हो गई, लंग और कंप्रेस हो रहे, प्लूरा थिकन हो रही है और लंग जो है वो एक्सटेंसिवली फाइब्रोज है और हनीकॉम्ब टिश्यू स्ट्रक्चर है। काट के देखो अगर लंग को तो इस तरह नजर आता है रियल लाइफ में। कॉजेज क्या होते हैं? कोई भी कॉज नहीं है, सम आमतौर पर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, कोई परफेक्ट कॉज नहीं पता, लेकिन बेसिकली इम्यून रिएक्शन ही है, क्योंकि और बीमारियों की वजह से उसका इफेक्ट इवेंचुअली लंग पर पड़ना शुरू हो गया है। अनकॉमन डिजीज है, लेट मिडिल एज में होता है लोगों को। क्लिनिकल फीचर्स का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। सो प्रोग्रेसिव एक्सर्शन डिस्निया होगा, मतलब आप काम करोगे तो आपको सांस लेने में मसला होगा, फिर रेस्ट पे भी होना शुरू हो जाएगा। कफ बगैर स्पूटम की होगी। फिजिकल एग्जाम देखोगे तो फिंगर्स पे क्लबिंग होगी। ठीक है, ये आप अपने SCP में पढ़ेंगे कि क्लबिंग वगैरह क्या होती है। सांस ऑस्कल्टेट करके देखेंगे तो लंग्स में क्रैकल्स होंगे, आवाज़ें आएंगी। ठीक है, सांस सही से नहीं ले सकेगा। और स्लोली 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 जब ये पूरी तरह से लंग ख़राब हो चुका होगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, सांस लिया ही नहीं जाएगा। ठीक है, और फिर स्लोली स्लोली ये प्रोग्रेस, मतलब ये डिजीज़ बताए बगैर, कोई ख़ास नुकसान दिए बगैर, मेजर अलार्म सिम्टम्स प्रोड्यूस किए बगैर, स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करता है। और अगर किसी का पूरा लंग इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए तो 4 से 6 साल के अंदर अंदर बंदे की जो है वो डेथ हो जाती है, उससे ज़्यादा सर्वाइवल नहीं है। ठीक है, जब आप स्पायरोमेट्री करते हैं तो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न नज़र आता है। ऑब्वियसली अभी ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न्स को हमने देखा था, तो उसके अंदर फोर्स पेडल कैपेसिटी कम होती है, FEV1 और FVC नॉर्मल होती है। लंग वॉल्यूम सारे के सारे, टोटल लंग कैपेसिटी, फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम, सारा कुछ कम हुआ होता है। ठीक है, और इसके अलावा प्रेशर वॉल्यूम का उसका डाउनवर्ड डिस्प्लेस और फ्लैटन हुआ होता है। गैशियस एक्सचेंज को अगर आप देखें तो गैशियस एक्सचेंज में आर्टीरियल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कम हुई होती हैं, pH नॉर्मल रहती है, लेकिन एक्सरसाइज पे ऑक्सीजन जो है प्रेशर वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एक्सर्शनल डिस्निया है ना इसके अंदर, जैसे आपने कुछ हिले जुले तो ऑक्सीजन उस लेवल की नहीं पहुंच सकती। फिजियोलॉजिक डेड स्पेस और VQ मिसमैच, आपने अपनी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, ये वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो VQ रेशियो क्या होती है, डेड स्पेस क्या होता है, वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि गैशियस एक्सचेंज सही तरह से नहीं हो सकता। जब लंग फाइब्रोज हो रहा है तो वहाँ पर जो टिश्यू है जहाँ पे एक्सचेंज होना था वो मेम्ब्रेन उस तरह की नहीं रहती जो कंड्यूसिव हो फॉर गैशियस एक्सचेंज, तो गैशियस एक्सचेंज उस तरह से सही तरह से होता नहीं है इवेंचुअली। और फिर एक्सरसाइज करो तो ऑक्सीजन कम हो जाती है और फिर डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ब्लड गैस बैरियर थिकन हो जाता है, वो जो नॉर्मल परमिएबल मेम्ब्रेन थी वो फाइब्रोसिस की वजह से, स्कारिंग की वजह से मोटी हो जाती है। और जो वेंटिलेशन परफ्यूजन होनी थी, यानी कि जो गैशियस एक्सचेंज होना था, जो न्यूट्रिशन ने आना जाना था, वो मुश्किल हो जाती है और फिर उसकी वजह से मसला होता है। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? हिस्ट्री लो, ठीक है, बाकी बीमारियों का पूछो, पता चलेगा रिमेटॉइड आर्थराइटिस था या नहीं था, और बीमारियां थी पता चल जाएगा, जेन में आ जाएगा किसकी वजह से इंटरस्टीशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद रेडियोग्राफ एक्सरे करके देखो, एक्सरे में नजर आना शुरू हो जाएगा। हाई रेजोल्यूशन CT करोगे तो आपको हनीकॉम्ब अपीयरेंस तक भी नज़र आ जाएगी। इसके अलावा अगर ओल्ड एक्सरेज पे आपको डिजीज़ नज़र आ रहा है और कोई नई डिजीज़ नहीं है, कोई और हिस्ट्री नहीं है और कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ आपको लगता है नहीं है इसको, तो उससे भी आप डायग्नोस कर सकते हैं। एंड दैट काइंड ऑफ डायग्नोसिस इज क्लिनिकल डायग्नोसिस, मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस उसे कहते हैं जिसमें आपको
कोई इमेजिंग स्टडीज की जरूरत नहीं पड़ी, आपने अपने नॉलेज की बेस पे, उसके साइंस सिम्टम्स हिस्ट्री की बेस पे, फिजिकल एग्जाम की बेस पे, बगैर इमेजिंग के क्लिनिक में बैठे बैठे लैब भेजे बगैर उसका डायग्नोसिस कर दिया। ये क्लिनिक में बैठे बैठे तो नहीं, आप अस्पताल में बैठ के भी कर सकते हैं, बट याद समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है। और फिर कभी कभार डायग्नोसिस के लिए अगर समझ ना आ रही हो तो सर्जिकल लंग बायोप्सी, लंग का एक हिस्सा उठा के काट के उसका टिश्यू निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख सकते हैं कि ये कैसा नजर आ रहा है, उसके अंदर हनीकॉम्ब सिस्टिक अपीयरेंसेस और वो सारी चीज़ें नजर आएंगी जो हमने डिस्कस की हैं अभी पैथोलॉजी में। ट्रीटमेंट हर इंसान की अलग अलग है। उस वक्त ट्रीट करना ज़रूरी होता है जब प्रोग्रेसिवली बुरी बुरा बीमारी ज़्यादा होती जाए, तो उसके अंदर स्टीरॉयड देते हैं सबसे पहले तो, ताकि उसका मसला जो है वो रुके। बहुत जो डेंजरस और सख्त मुश्किल बीमारियाँ होती हैं ट्रीट करने की, या जिसमें मसला बहुत ज़्यादा हो चुका हो, उसमें आप स्टीरॉयड ज़रूर देते हैं। प्रेडनिसोन जो है वो स्टीरॉयड की डोज है, इसमें आपको एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं है कितनी देर तक यूज़ करनी है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि स्टीरॉयड्स में वो स्लोली स्लोली टेपर ऑफ किए जाते हैं, एकदम नहीं बंद किया जाता स्टीरॉयड्स को, क्योंकि उसका फिर एड्रीनल ग्लैंड्स पे इंपैक्ट होता है, एज यू वुड नो अगर आपने फिजियोलॉजी सही तरह से पढ़ी हुई है तो। फिर साइक्लोफोसफामाइड दे सकते हैं, एंटी फाइब्रोटिक्स दे सकते हैं, कोल्चिसिन वगैरह, फिर उसके अलावा आप उसके साथ साथ ऑक्सीजन थेरेपी दें ताकि उसको लंग्स को मसला ना हो, रिहैब थेरेपी और साइकोसोशल जो थेरेपी हो वो आपको जितनी ज़रूरत है उसकी वो आप दे सकते हैं। फिर एक नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया होता है जिसमें इटियोलॉजी बहुत सारी हो सकती है। अब हाइपर सेंसिटिविटी भी किसी ने पूछा था, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस की वजह से नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया हो सकता है, मतलब ये है कि ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज हुआ और उसकी वजह से फाइब्रोसिस होता गया तो फिर वो भी इवेंचुअली हो जाता है, लेकिन दैट इज नॉट इटसेल्फ द डिजीज, वो दो अलग अलग डिजीज हैं, एक डिजीज की वजह से अलग डिजीज हो रहा है लेकिन वो डिजीज सेम नहीं है, सो आप उसको इसलिए सेम नहीं कहेंगे। इन्फेक्शन की वजह से, कॉलेजन वैस्कुलर डिजीज की वजह से, ड्रग रिएक्शन वगैरह की वजह से, और बगैर किसी वजह के ये भी हो जाते हैं, बगैर किसी वजह बगैर कोई वजह तो नहीं होती लेकिन वो कई दफ़ा पता नहीं होती एग्जैक्टली, सो उसको इडियोपैथिक कहते हैं। पैथोलॉजी में पूरे के पूरे लंग में दो तरह की चेंजेस आएंगी, सेलुलर या फाइब्रोजिंग। जो सेलुलर टाइप का इंटरस्टिशियल नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, उसमें सेल्स आएंगे, कौन से सेल्स आएंगे, लिम्फोसाइट्स आएंगे, तो लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट होगा उसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई के सेप्टा के अंदर, मतलब एक एल्वियोलाई और दूसरे एल्वियोलाई के बीच में जो डिवीजन है। फाइब्रोजिंग टाइप में जो सेप्टा हैं वो उसके अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ इन्फ्लेमेशन हो या लिम्फोसाइट्स हो, फाइबर्स ज़रूर नजर आएंगे आपको। सो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है डिफ्यूज इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस करना। इसको करोगे अच्छी तरह से तो आधे से ज़्यादा आपका रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट अनदर डिजीज़ विच इज़ नोन एज सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस के अंदर ग्रैनुलोमेटस टिश्यू होता है, ये एक ऐसा डिजीज़ है जिसके अंदर ग्रैनुलोमेटस टिश्यू होता है, ये सिस्टेमिक डिजीज़ है। जब वर्ड सिस्टेमिक आ जाए तो सिस्टेमिक का मतलब होता है कि बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक सिस्टम नहीं इन्वॉल्व कर रहा, सिर्फ लंग्स नहीं है इसके अंदर इन्वॉल्व, इसके अंदर माशाल्लाह से आईज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, ब्रेन भी, हार्ट भी, बोन भी, किडनी भी, स्किन भी, लिवर भी, स्प्लीन भी, सारे के सारे, और जहाँ पे भी आप देखोगे आपको ग्रैनुलोमास नज़र आएंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। ग्रैनुलोमास को अच्छी तरह से याद रखना, क्या होता है ग्रैनुलोमास, मैक्रोफेजेस की एक्यूमुलेशन होती है एक स्पेसिफिक किस्म की, जिसे केजिएटिंग और नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास में डिवाइड करते हैं। फिर बहरहाल सार्कोइडोसिस में ग्रैनुलोमास होंगे और आपको नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास नजर आएंगे जिसके अंदर हिस्टियोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और जॉइंट सेल्स होते हैं। हिस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस, फेगोसाइटोसिस के बाद जो सेल्स बनते हैं उनको हिस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, तो ये इसके अंदर नजर आएंगे। और जब ये एडवांस होता जाता है तो ग्रैनुलोमास इवेंचुअली उनके अंदर फाइब्रोटिक चेंजेस आनी शुरू हो जाती है और वो फाइब्रोसिस होता है और हेंस रिस्ट्रिक्टिव डिजीज बनना शुरू होता है। अगेन इसकी इम्यून मीडिएटेड कॉज है, ठीक है, और इसकी स्टेजेस हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स में या साइन सिम्टम्स होते हैं या स्टेजेस होती हैं, ठीक है, तो ये स्टेजेस इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रीटमेंट के लिए, हर स्टेज की मुख्तलिफ ट्रीटमेंट होती है। सो जब आप मेडिसिन पढ़ोगे या जब आप आगे जाके बाकी वो पढ़ोगे तो आप स्टेजेस में आप देखोगे कि किस स्टेज की कैसे ट्रीटमेंट की जाती है। बीमारी के लेवल पे, पैथोलॉजी के लेवल पे स्टेजेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन कई दफ़ा स्टेजिंग में पैथोलॉजी के नॉलेज को यूज़ किया जा रहा होता है, सो इसलिए यहाँ पे स्टेजेस ज़रूरी हैं समझनी। तो पहली स्टेज जीरो में क्या होता है कि कोई चेस्ट की एज सच इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सार्कोइडोसिस की बात हो रही है जिसके अंदर इतना सारा कुछ है हो रहा है,
पहली स्टेज में नहीं होता, दूसरी सॉरी स्टेज जीरो में. स्टेज वन में क्या होता है, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होती है, मतलब जो हाइलम में लिम्फ नोड्स पड़ी हुई थी वो फूल जाती हैं दोनों साइड्स पे लंग के. फिर उसके साथ आर्थराइटिस होता है, ऑब्वियसली जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, स्किन इन्वॉल्व हो रही होती है, उसके अंदर नोडुलर चेंजेस होती हैं, एरिथीमा नोडोजम होता है. फिर यूवियाइटिस होता है जो कि आई की इन्फ्लेमेशन है खास तरह की. सो आई जॉइंट्स एंड स्किन साथ साथ इन्वॉल्व होना शुरू होती है स्टेज वन में. स्टेज टू में अच्छा स्टेज वन में भी लंग के अंदर नहीं गया, लंग के बाहर हाइलम में जो नोड्स पड़ी हैं सिर्फ वो इन्वॉल्व हुई. स्टेज टू में लंग के अंदर चला जाता है, पल्मोनरी पैरेन्काइमा इन्वॉल्व हो जाता है और मिडल और अपर जोन ऑफ द लंग इज मोर इन्वॉल्व. फिर स्टेज थ्री में पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स आ जाते हैं, फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और एडिनोपैथी यानी कि जो लिम्फ नोड्स थी वो ज़रूरी नहीं इन्वॉल्व रहे, अब लंग्स के ऊपर खास फोकस आ गया सार्कोइडोसिस का. तो लंग्स वाली स्टेज जब पहुँचती है सार्कोइडोसिस में तो बड़ी ही डेंजरस स्टेज होती है, और मतलब वो एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी होती है उस डिजीज. अच्छा इसके अंदर आपको पैथोलॉजी कैसी नज़र आती है, एक तो सार्कोइड ग्रैनुलोमास होते हैं लंग के अंदर जगह जगह, ठीक है, और यू नो अगर आप बायोप्सी करके देखें तो उसमें आपको ये सार्कोइड ग्रैनुलोमा नज़र आया तो उसका मतलब है मल्टीपल सार्कोइड ग्रैनुलोमा है, तो उसका मतलब है कि ये चांस है कि ये सार्कोइडोसिस हो रहा है. फिर आपको पता है सार्कोइडोसिस के अंदर जब ग्रैनुलोमास बनना शुरू होते हैं इवेंचुअली वो फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है ग्रैनुलोमास में, फाइब्रोटिक फेज बन जाता है. फिर नेक्रोसिस एब्सेंट होता है लेकिन छोटे छोटे हल्की हल्की जगहों पर टिश्यू सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बायोप्सी अगर करके देखो तो आपको उसमें नज़र आता है. फिर उसके अलावा एक चीज़ इसके अंदर नज़र आती है एस्टीरॉयड बॉडीज, एस्टीरॉयड बॉडीज में वो स्टार शेप क्रिस्टल्स होते हैं जिसके अंदर नज़र आते हैं. एंड देन शॉमैन बॉडीज हैं उनके अंदर कैल्सिफिकेशन होती है और गोल गोल सी कंसेंट्रिक सर्कल्स या लमेला बनना शुरू हो जाते हैं. तो अगर आपको दिखाऊँ ये शॉमैन बॉडीज़ हैं लंग के अंदर नज़र आएंगी, ठीक है, कैल्सिफिकेशन और इसके लमेला लेयर्स आ रही हैं यूँ. फिर इसके अलावा एस्टीरॉयड बॉडीज़ वो स्टार शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं. और फिर नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा जो मैक्रोफेजेस जॉइंट सेल्स और हिस्टियोसाइट्स का एक गोल सा मजमुआ होता है, ठीक है. सो ये आपको नज़र आएगा अंडर द माइक्रोस्कोप. और इसके अलावा एक टेस्ट कर सकते हैं. अच्छा ये पैथोलॉजी का नॉलेज तो सिर्फ पैथोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, डायग्नोसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप काट के लंग देखेंगे यूँ नज़र आएगा माइक्रोस्कोप के नीचे तो आप कहेंगे हाँ इसके अंदर ये नज़र आ रहा है तो ये सार्कोइडोसिस लग रहा है. अच्छा फिर एक वीम टेस्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप स्प्लीन एक इंसान की लेके इस उसकी जिसको सार्कोइडोसिस है उसको अगर डर्मिस में इंजेक्ट करें तो वहाँ पर ग्रैनुलोमा बन जाए तो उसका मतलब है कि उस पेशेंट को सार्कोइडोसिस है, ठीक है. ये एक टेस्ट किसी ने इजाद किया था कि स्प्लीन हल्की सी काट के निकाल के बाहर उसका छोटा सा पीस उसको इंजेक्ट कर दो स्किन के अंदर, स्किन में ग्रैनुलोमा बन जाएगा तो उसका मतलब है कि इसको सार्कोइडोसिस है. इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट, ठीक है. सो नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास को और करीब से आपको दिखाया हुआ है सार्कोइडोसिस के अंदर. स्टेज वन में बाइलेटरल हाइलर एडिनोपैथी है यानी कि लंग्स के हाइलम में जो नोड्स पड़ी हुई थी वो फूल गई हैं. हाई रेजोल्यूशन सीटी करके देखेंगे तो प्लूरा के बिल्कुल नीचे नोड्यूल्स नज़र आएंगे गोल गोल सी प्लूरा के अंदर. और पल्मोनरी फंक्शन आपको पता है रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होगा, स्टेज जीरो और वन में नहीं होगा, स्टेज टू और थ्री में होगा, क्योंकि स्टेज जीरो और वन में अभी वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा था ज़्यादा, बट स्टेज टू एंड थ्री में जब इन्वॉल्व होना शुरू होता है तो फिर रिस्ट्रिक्टिव लंग पैटर्न आ जाता है. ट्रीटमेंट कैसी है और इलाज का अंजाम क्या होगा, प्रोग्नोसिस, तो 85% लोग सही हो जाते हैं लेकिन 15% को फाइब्रोसिस ज़्यादा होना शुरू होता है और बुरा होना शुरू हो जाता है और फिर उनका रेस्पिरेटरी फेलियर शुरू हो जाता है. रेस्पिरेटरी फेलियर जहाँ पर भी आप वर्ड देखोगे इसका मतलब है क्लोज टू डेथ, यानी कि वेंटिलेटर पे जाने की बात आ गई है, ठीक है. सो रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब इवेंचुअली इट गोज देयर. फिर ट्रीटमेंट का करने कैसे होती है, ऑब्जर्व करके देखो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑब्जर्वेशन भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट होता है. तो ऑब्जर्व करके देखो, जो अक्सर बीमारियां जो खुद ही ठीक हो जाती हैं उसमें हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि देखते हैं सही हो रहा है कि नहीं, मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, सिम्टम्स जो आ रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट दे रहे हो लेकिन फिर ज़्यादातर ऑब्जर्व करते हैं. और फिर चूंकि इतने अगेन एक बड़ा सीवियर डिजीज़ टाइप चीज़ है तो इसको आप अगेन स्टीरॉयड दोगे विच इज़ प्रेडनिसोन, शुरू में आप शुरू करते हैं और फिर इवेंचुअली स्लोली स्लोली उसको टेपर डाउन करते हैं. अच्छा इसके अलावा एक और टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है वो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है. हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस का मतलब क्या है कि ये जो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ वगैरह हमने पढ़े थे या जो एलर्जी की वजह से, मुख्तलिफ एलर्जीज की वजह से जो रिएक्शन होता है
जो लंग्स रिएक्ट करते हैं, दैट इज इवेंचुअली गोइंग टू लीड देम टुवर्ड्स अ रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न. सो एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस, यानी कि बाहर से कोई एलर्जन आ रहा है जिसकी वजह से एल्वियोलाई की इन्फ्लेमेशन हो रही है. ठीक है, जो भी इनहेल डस्ट हो, जहाँ जिस तरह की आपकी ऑक्यूपेशन है वहाँ पर जो चीज़ें, जैसे एस्बेस्टोसिस हमने पढ़ा था, और जो फर्स्ट लेक्चर की बातें हैं, फर्स्ट लेक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अंदर जो सी चीज़ें पढ़ी थी वो सारी हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस थी. एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं, फार्मर्स लंग. सो ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंटल एक्सपोजर होता है, टाइप थ्री एंड टाइप फोर हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं. ये आपको पता होगा कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस, टाइप 1, 2, 3, 4, और वो हर हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन का डिफरेंस बेसिकली मेनली ये होता है कि किस तरह का इम्यून सेल जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है. प्लाज्मा सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, बी सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, टी सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. टाइप फोर में अक्सर टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, या एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स इन्वॉल्व हो रही है, खाली एंटीबॉडी आ रही है जो हाइपर सेंसिटिविटी वन में होती है शायद, जिसमें खाली इम्यून वो एंटीबॉडी आ रही होती है. सो मुख्तलिफ तरह की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, खाली एंटीबॉडी या टी सेल्स या बी सेल्स, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर बेसिकली इन्वॉल्व इन मीडिएटिंग द इम्यून रिस्पॉन्सेज. तो जिसने इम्यूनोलॉजी पढ़ी हुई है आप वो याद रखना कि टाइप थ्री और टाइप फोर में क्या होता है. फार्मर्स लंग में फिर क्या होता है, एक्टिनोमाइसिस, ये एक बैक्टीरियल टाइप है, एक्टिनोमाइसिस, जो थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिस होती हैं, जो गर्मी में भी बच जाते हैं मोल्डी हे के अंदर, जो फार्मर का जो हे होता है जिससे उसका मतलब इंटरेक्शन होता है काफ़ी, उसके अंदर एक्टिनोमाइसिस होते हैं. तो वो जब उस पेशेंट के अंदर जाते हैं तो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस करते हैं. इसके अलावा बर्ड्स की वजह से, बर्ड के एंटीजन की वजह से बर्ड फैंसियर्स लंग भी एक बीमारी है जो हो जाती है. फार्मर्स लंग में 30% ग्रेन का जो मॉइस्चर है या जो हे का जो मॉइस्चर है उसके अंदर बैक्टीरिया फंगाई होते हैं जो फार्मर्स लंग के अंदर चले जाते हैं, और फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं यानी कि डिस्निया वगैरह, फाइब्रोसिस होता है इवेंचुअली उस लंग, और कोर पल बनेगा यानी राइट हार्ट लंग फेलियर, सॉरी राइट हार्ट फेलियर. फिर बर्ड फैंसियर्स लंग में क्या होता है, उनके अंदर एक प्रीन ग्लैंड होता है जो बर्ड्स की टेल के पीछे होता है, और अगर वहाँ से डस्ट आपके अंदर चली जाए तो प्रॉब्लम्स कर सकती है. वेट लॉस होता है, फीवर होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ड्राई कफ, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एनोरेक्सिया, चिल्स एंड एक्सट्रीम फटीग. पैथोलॉजी में क्या नजर आता है, एल्वियोलर वॉल्स के अंदर लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, हिस्टोसाइट्स होते हैं, लूज ग्रैनुलोमास होते हैं, और फाइब्रोसिस होता है. इवेंचुअली ये सारी पैथोलॉजी काफ़ी हद तक मिलती जुलती है क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है सारों का, ऑलमोस्ट सारे डिजीजेज एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है. मिसाल के तौर पर आपको कि जी ग्रैनुलोमास इधर भी थे उधर भी थे, तो बेटा अब मिसाल के तौर पर इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो हमने पढ़ा था, डिफ्यूज इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस, उसके अंदर जो स्पेसिफिक चीज़ थी, पैटर्न एक आपने कर लेना है. मैंने आपको पहले भी बताया था तरीका याद करने का, यह कि आपने एक पैटर्न कर लेना है, सारी उस सिस्टम की बीमारियाँ तकरीबन एक उस तरह की होंगी या उस पैटर्न की बीमारियाँ, उसके अंदर चेंजेस भी उस तरह की होंगी, लेकिन फिर स्पेसिफिक चीज़ याद रखने वाली है. स्पेसिफिक चीज़ क्या थी इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, हनी कूम सिस्टिक अपीयरेंस. वो आपको और जगह नहीं नजर आएगी, हनी कूम सिस्टिक अपीयरेंस में हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस में नहीं नजर आएगी, वो स्पेसिफिक चीज़ उसकी है. ये जो हमने सार्कोइडोसिस किया था उसमें क्या स्पेसिफिक चीज़ें थी, एस्टीरॉयड बॉडीज, शॉमन बॉडीज, ठीक है. सो ये स्पेसिफिक चीज़ें, बाकी तो चेंजेस वही हैं, क्या फ़र्क पड़ सकता है, और ज़्यादा चेंजेस आ ही नहीं सकती, कहाँ से आएंगे. रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है ना, उसी तरह की मिलती जुलती डिजीज है, ठीक है. फिर इसके अलावा इसके क्लिनिकल फीचर्स में एक्यूट और क्रॉनिक डिवीजन होती हैं. अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स में एक और डिवीजन भी होती है कि थोड़ी देर के लिए होला है, थोड़ी देर के लिए हो रही है बीमारी या लंबी देर के लिए चलेगी. एक्यूट इज थोड़ी देर के लिए, क्रॉनिक लंबी देर के लिए. सो एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस में जैसे ही एक्सपोजर हुआ फार्मर का या बर्ड्स के साथ, तो 4 से 6 घंटे के बाद आपको फीवर हो जाएगा, कफ और डिस्निया शुरू हो जाएगा और फटीक शुरू हो जाएगी. 2-3 दिन के लिए सिम्टम्स चलेंगे, फिजिकल एग्जाम करके देखोगे तो आप ऑस्कल्टेट करोगे जब, तो आपको लंग्स में से आवाज़ें सुनाई देंगी जब सांस लेगा बंदा. और फिर अगर ये क्रॉनिक की तरफ जाता है तो स्लोली 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 डिस्निया बुरा होता जाता है, और चेस्ट रेडियोग्राफ शुरू में नॉर्मल होगा, लेकिन जब आप बाद में एक्सरे देखेंगे तो उसके अंदर रेटिकुलर नोडुलर इन्फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है. रेटिकुलर नोडुलर का मतलब काफ़ी छोटी छोटी उसके अंदर नोड्स सी बनी हुई होंगी, ठीक है. और क्रॉनिक में अगेन प्रोग्रेसिव डिस्निया होता है, बायलेटरल क्रैकल्स होते हैं दोनों साइड पे, और अगेन नोडल इन्फ्लेमेशन, और इसके अलावा फाइब्रोसिस नज़र आना शुरू हो जाता है अपर लोब्स में, छोटे होना शुरू हो जाएंगे अपर लोब्स, ठीक है, नोड्स बनना शुरू हो जाएंगी. और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करके देखोगे, स्पायरोमीट्री वगैरह करके देखोगे तो रिस्ट्रिक्टिव होगा, सारे वॉल्यूम्स वगैरह डिक्रीज हुए होंगे, FEV1 और FEV1 और FVC जो है वो नॉर्मल होगा,
लेकिन FVC जो है वो डिक्रीज हुआ होगा, और गैसेस एक्सचेंज जो है गैसेस एक्सचेंज में आपको ऑक्सीजन कम नजर आएगी और एक्सरसाइज ज़्यादा कम होती जाएगी। इसके अलावा और भी इंटरस्टिशियल डिजीज हैं जो ड्रग्स पॉइजन और रेडिएशन वगैरह की वजह से होते हैं। सो अक्सर ड्रग्स जो हैं वो पल्मोनरी रिएक्शन कर सकती हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं वो आप लें तो उसका लंग पर बड़ा बुरा इफेक्ट होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके साइड इफेक्ट्स जब आप ये पढ़ोगे अपनी फार्माकोलॉजी में, तो अक्सर लंग्स वाले साइड इफेक्ट वाली जो बीमारी जो ड्रग्स होती हैं उनको गौर से देखना होता है। ऐसी बीमारियां देने से पहले और देने के बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग एडवाइस की जाती है पेशेंट को, कि देखते रहेंगे इसके लंग्स के ऊपर तो नहीं डैमेज हो रहा। वो अक्सर वेरी दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यूज फॉर डेंजरस इलनेसेस, तो वो ज़रूरी भी होती हैं एक तरह से, लेकिन उसके नुकसान भी हो सकता है। तो फिर अगर वो नुकसान अगर वो हो ही जा रहा है, पल्मोनरी रिएक्शन हो रहा है, तो ड्रग छोड़ दो। अगर आप नहीं छोड़ोगे और मॉनिटर नहीं कर रहे उसका पल्मोनरी फंक्शन, तो फिर उसको इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो सकता है इवेंचुअली। और इनमें कुछ ड्रग्स के आपको नाम नहीं है, ये अब कैंसर की ड्रग्स हैं, ब्लियोमाइसिन, बिसल्फान, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, माइड्रोन। तो ये जो ड्रग्स हैं ये ज़रूरी भी हैं लेकिन इनसे मसले भी हो सकते हैं। फिर इसके अंदर अगर आप हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बगैर सोचे समझे बेतहाशा ऑक्सीजन दे दो तो उसकी वजह से भी फाइब्रोसिस हो सकता है। रेडिएशन हो तो उसकी वजह से भी न्यूमोनाइटिस होता है इवेंचुअली, जो फाइब्रोसिस की तरफ जा सकता है। रेडिएशन अक्सर कब होती है, जब आपकी रेडियोथेरेपी हो रही होती है अगेन कैंसर्स वगैरह के साथ। तो ये जो ड्रग्स पॉइजन और रेडिएशन वगैरह हैं ये सारी बीमारियाँ कैंसर के आसपास हो रही होती हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और कैंसर की ट्रीटमेंट करते करते वो बाकी टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो फिर उसकी वजह से ये बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। फिर एक और टाइप ऑफ बीमारी है कॉलेजन वेस्कुलर डिजीज। कॉलेजन वेस्कुलर डिजीज एज यू कैन अंडरस्टैंड कि इसके अंदर कॉलेजन जो है वो डिपॉजिट होना शुरू रहता है। कॉलेजन अगेन फाइबर्स हैं तो फाइब्रोसिस होना शुरू रहता है। सो बहुत सारे कॉलेजन वेस्कुलर डिजीज जो हैं वो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस कर देते हैं, ठीक है, और वो बाकी इम्यून मीडिएटेड बीमारियों के साथ होते हैं, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ हो रहा होता है, ल्यूपस सिस्टम सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जो है उसके साथ ये वाली बीमारियाँ होती हैं। इसके अंदर डिस्निया डिस्निया बहुत ज़्यादा होता है। सर्जिकल लंग बायोप्सी करके देखेंगे तो कॉलेजन डिपोजिशन मिलेगी वेसल्स के अंदर भी, और अगेन ट्रीटमेंट स्टीरॉइड्स हैं और फिर साइटोटॉक्सिक थेरेपी, यानी कि सेल डेथ या सेल को कंट्रोल करने वाली जो हैं ड्रग्स यूज होती हैं, जो कि मिसाल के तौर पर कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में भी यूज होती हैं, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बाकी बीमारियों के साथ होता है, सो इसको ज़्यादातर बाकी बीमारियों का हिस्सा ही समझा जाता है, अलग से इसको नहीं ज़्यादा देखा जाता। फिर रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न एक और खास किस्म की बीमारियों में होता है, विच इज़ प्लूरल डिजीज़। जब बाहर से प्रेशर पड़ रहा है, लंग एक्सपैंड नहीं कर रहा, रिस्ट्रिक्शन बाहर से है कोई, सो न्यूमोथॉरक्स है मिसाल के तौर पे, बाहर से हवा आ गई थॉरक्स के अंदर और लंग एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, वो उसके आगे कॉजेज होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी। फिर प्लूरल इफेन है, यानी कि एडिमा हो गया, फ्लूइड जमाना शुरू हो गया प्लूरल स्पेसेस में, तो वो फिर लंग को एक्सपैंड नहीं करने दे रहा, तो रिस्ट्रिक्शन लग रही है उसके ऊपर। एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। और प्लूरल इफेन की जब आप उसकी जो लिक्विड है या फ्लूइड है उसको आप आइसोलेट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं या उसको उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तो वो दो तरह का होता है, इधर इट्स एक्ज्यूरेट फॉर्म और ट्रांसूरेट फॉर्म, ठीक है। उनके डिफरेंसेस मुख्तलिफ बीमारियों के होते हैं, तो कैंसर में मिसाल के तौर पे कुछ और होगा और किस्म के इन्फ्लेमेशन में कुछ और होगा, तो उससे आपको पता चल जाता है कि किस कौन सी बीमारी है। प्लूरल थिकनिंग फिर हो जाती है, बहुत देर अगर प्लूरल इफेन रहे तो प्लूरा में फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है। जब तो प्लूरा में फाइब्रोसिस होगा तो ऑब्वियसली प्लूरा जो कि पहले एक्सपैंड करने दे रही थी लंग को, आराम से एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर रही थी, वो अब सख्त हो जाएगी। जब वो सख्त हो जाएगी तो लंग एक्सपैंड नहीं करेगा, लंग एक्सपैंड नहीं करेगा तो फिर रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न आएगा। और अगर ट्रीटमेंट इसकी करनी हुई तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, डिकॉर्टिकेशन। डिकॉर्टिकेशन का मतलब क्या होता है कि मेम्ब्रेन को रिमूव कर देना, तो मेम्ब्रेन हल्की हल्की जो प्लूरा थिकन हुई होगी उसे रिमूव करेंगे, उससे फिर बेहतर हो जाता है। इसके अलावा कौन सी लंग कौन से डिजीज जो है वो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न कर सकते हैं, चेस्ट वॉल के डिजीज। अब लंग के इर्द गिर्द बिल्कुल प्लूरा ख़राब हो रही थी या उसके इर्द गिर्द जो टिश्यू है वो डैमेज हो रहा था, अब आप लंग का जो बड़ा घर है यानी कि जो पूरी चेस्ट वॉल है यानी कि जो रिब केज है उसकी भी डिजीज जो है वो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न कर सकती हैं। सो मिसाल के तौर पर थोरैसिक केज डिफॉर्म हो रहा है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मसला हो जाता है, काइफोस्कोलियोसिस, काइफोसिस और स्कोलियोसिस जो हैं जो कि डिजीज हैं आपने अपनी एनाटॉमी में पढ़े होंगे थॉरेक्स में, डिजीज ऑफ द स्पाइन जब उसमें कर्व हो जाती है मुख्तलिफ, मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह से भी चेस्ट वॉल
फिर इम्पैक्ट होता है, चेस्ट वॉल सही तरह से जब एक्सपैंड नहीं कर पाती तो ऑब्वियसली फिर लंग्स भी जो है वो सही तरह से एक्सपैंड नहीं कर पाते और इवेंचुअली उनका रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज आ जाता है. स्कोलियोसिस इज लेटरल कर्वेचर एंड काइफोसिस इज पोस्टीरियर कर्वेचर, यानी कि कुब्बा जो हो जाता है बंदा वो काइफोसिस है, स्कोलियोसिस इज द लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन. कॉज इसके बहुत सारे होते हैं, पोलियो अननोन भी है, लेकिन पोलियो वगैरह और प्रीवियस टीबी वगैरह हुई जिसमें मसल वगैरह इस तरह से डैमेज हुए या नर्व इस तरह से डैमेज हुई कि वो फिर उसको सीधा खड़ा नहीं रख सके, तो वो सारी की सारी जो है इस तरह की बीमारियां करवा देते हैं, काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस. ठीक है. एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इम्यून मीडिएटेड इसके मैकेनिज्म है. और इसके अलावा पेशेंट्स किस तरह प्रेजेंट करते हैं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल फीचर, साइन, सिम्टम्स, ये सारा कुछ एक ही बात है. पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, एग्जर्शनल डिस्निया होता है, एग्जर्शन के साथ उसको डिस्निया होती है और उसकी ब्रीदिंग जो है वो रैपिड एंड शैलो होती है, तेज़ तेज़ ब्रीद करेगा और छोटा छोटा उसका ब्रीदिंग होगी. और जब आप उसको देखोगे उसकी ब्लड गैसेस करके तो ऑक्सीजन कम होगा ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और कोर पल्मोनेल होगा, यानी कि लंग फेलियर की वजह से राइट हार्ट फेलियर होना शुरू होगा. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पे रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न नजर आएगा, रिस्ट्रिक्शन. ठीक है. और कॉज ऑफ डेथ क्या होती है इसमें, अगेन रेस्पिरेटरी फेलियर ज़्यादातर या इन्फेक्शन हो जाता है. ट्रीटमेंट क्या है इसकी, जब रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है तो ऑब्वियसली आपने वेंटिलेटर पर डालना है उसको. वेंटिलेटर पर डालना दो तरह से होता है, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव. इसके बारे में बताना अभी आपकी कौन से दूर है, इस चीज़ को आपको पढ़ना चाहिए व्हेन यू विल गो टू हायर सेमेस्टर्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न करते हैं वो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, जो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन को डैमेज करें या उनकी नर्व सप्लाई को डैमेज करें. ठीक है. वो कौन से हो सकते हैं, पोलियोमेलाइटिस, गिलियन बार सिंड्रोम, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, मायस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वगैरह वगैरह वगैरह. ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये नर्वस सिस्टम की बीमारियां हैं इस तरह की कि जो मसल्स को डैमेज करती हैं. जब वो मसल्स डैमेज होते होते रेस्पिरेशन वाले मसल्स डैमेज होते हैं तो इवेंचुअली फिर ऑब्वियसली लंग को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में सही तरह से हेल्प नहीं होगी. जब नहीं होगी तो फिर वो रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा, तो उसकी वजह से डिस्निया और रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, तो फिर रिड्यूस्ड फोर्स वाइटल कैपेसिटी, रिड्यूस्ड टोटल लंग कैपेसिटी और FEV1 होगा पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग पे. और फिर आप फोर्स वाइटल कैपेसिटी के थ्रू और ब्लड गैसेस करवा के देख सकते हैं कि डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस कर रहा है. ब्लड गैसेस क्या होती हैं, जब आप आर्टीरियल ब्लड इसमें आप वो करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, आप उसके अंदर देखते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी है और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कितनी है, तो उनको उस टेस्ट को ब्लड गैसेस टेस्ट कहते हैं या आर्टीरियल ब्लड गैसेस या ABGs कहते हैं. ठीक है. तो उसके अंदर ऑक्सीजन ऑब्वियसली कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी क्योंकि सही तरह से वेंटिलेशन नहीं हो रही, तो आपको पता चलता जाएगा. अगर वो ज़्यादा बुरी होती जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा होती जाए, ऑक्सीजन और कम होती जाए, तो उसका मतलब है कि डिजीज बुरी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है. जो आप मैक्सिमल इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी प्रेशर है वो कम हो जाते हैं. ट्रीटमेंट में आप अंडरलाइन कॉज यानी इन बीमारियों को ट्रीट करो या फिर वेंटिलेटर पर डालो या असिस्टेड वेंटिलेशन, मतलब हेल्प करो उसकी. उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वाले, बाईपैप और वो सारी की सारी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो आप ट्रीटमेंट में और मेडिसिन में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. पैथोलॉजी का वो काम नहीं है ज़्यादा डिटेल में देखना. ठीक है. सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर. If you have any questions, please ask me. All right, no questions then. Challenge. Sir, MCQs kitne honge quiz mein? 15 MCQs. Okay, sir. Ji. सर फ्राइडे को किस टाइम होगा क्विज? बेटा रात के टाइम होगा, 8-9 बजे के आसपास. ठीक है सर, क्योंकि 8 बजे तक हमारी क्लासेस हैं. ओके, फिर 9:00 कर लेंगे. सर 8:30. हाँ जी सर, गांव में बहुत मसला होता है इस टाइम, आज भी लाइट बिल्कुल भी नहीं थी. बेटा फिर और बाकी टाइम में क्लासेस हो रही होती हैं तो फिर क्या कर सकता है बंदा. सर लेक्चर्स 8 हैं या 6? 6 बेटा, 6. बट 6 के अंदर ये बात याद रखिएगा कि फर्स्ट टू लेक्चर्स आर डिलीवर्ड इन 4 पार्ट्स, तो वो 2 काउंट होंगे, वो 6 नहीं काउंट, वो 4 नहीं काउंट होंगे.
ओके सर चलें ठीक है बेटा, आई थिंक वी आर डन विद टुडेज लेक्चर. आप लोग जाओ अपने क्विजेस की तैयारी करो. आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.